इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। मीडिया हमेशा की तरह एक ही तस्वीर दिखा रही है। वैसे तो मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, पर अब जब लोकतंत्र यानी जमहूरियत ही खतरे में आ जाए तो खैर, राम मंदिर की संग बुनियाद यानी भूमि पूजन वजीर आजम मोदी के हाथों अमल में लाया गया। सबसे ज्यादा तो मीडिया वालों को ही राम मंदिर की जल्दबाजी नजर आ रही थी। शुरुआत से ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला सियासी मुफाद को मद्देनजर रखकर ही अंजाम दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि रथ यात्रा वगैरह इसी के मद्देनजर थी। एक तरफा खबर चलाने की मीडिया को वैसे तो आदत ही है, पर सच्चाई कुछ और है। ऐसा नहीं कि मोदी के हाथों भूमि पूजन की मुखालिफत नहीं हुई है, कई सारे सियासी पार्टियां और सियासी लीडरों ने इसे जमहूरियत का कत्ल तक कहा है। वैसे भारत की मीडिया झूठ फैलाने में माहिर है, लिहाजा भारत के अक्सर मुसलमान राम मंदिर के हक में होने की खबर भी चाटुकार मीडिया की जानिब से चलाई गई है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र था, पर अब देश की दिशा बदल रही है। इतना तो यकीनी है कि आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर इतना जरूर है कि धर्म मजहब की आड़ में अपनी नाकामी को छिपाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमाम काउंसिल, मुस्लिम लीग, MIM और दिगर सियासी तंजीमें और मुस्लिम तंजीमों ने राम मंदिर भूमि पूजन के सख्त अल्फाजों में इसलिए मजम्मत की है क्योंकि वहां पर 500 साल तक बाबरी मस्जिद थी, ऐसा इनका दावा है। दूसरी तरफ कई सियासी पार्टियों ने यह भी कहा कि क्या यह वक्त मुनासिब था जबकि पूरा भारत देश मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि राम किसी एक सियासी पार्टी के नहीं है, सभी के हैं, लिहाजा कोई भी पार्टी अपने सियासी मुफाद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना करे। और वैसे भी वजीर आजम का भूमि पूजन में शरीक होना इस बात की दलील है कि जो धर्मनिरपेक्ष तस्वीर भारत की थी, अब मजहबी तासुब में यह तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। पूरा भारत सिर्फ राम मंदिर का ही मुंतजर है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। पर भारत मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ जबानें, तहजीबों वाला मुल्क है। हिंदुओं में भी कई सारे अख्तलाफात हैं। सिर्फ उत्तर भारत की तस्वीर को या हिंदी रियासतों की तस्वीर को तमाम पर थोपना यह ठीक नहीं है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट में था, कई सारे साबिक जजों ने राम मंदिर के हक में फैसला देना गलत तक कहा है। वाजर है कि रंजन गोगोई ने फैसला राम मंदिर के हक में दिया तो सभी जानते हैं इसके बदले में इन्हें राज्यसभा रुकनियत भी हासिल हुई, मतलब इस फैसले पर भी सवालिया निशान बाकी है। यह भी सच्चाई है कि जब से मोदी हुकूमत आई है, कभी ट्रिपल तलाक, कभी NRC, CAA और दिगर मसाइल को लेकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन में शरीक होकर अपनी हिंदुत्ववादी तस्वीर को और मजबूत करने में मोदी कामयाब हुआ। हर महाज पर नाकाम होती मोदी सरकार ने राम मंदिर की तामीर के खेल से माहौल ही बदल दिया। बेरोजगारी, कोरोना महामारी, बंद होते कारखाने, भूखमरी, तमाम सवाल अब पीछे पड़ गए। अब तो राम मंदिर ऐसा मसला है कि दिगर सियासी पार्टियां खुलकर बोल भी नहीं सकती। पर सवाल यह उठता है कि क्या वाकई देश सही दिशा में जा रहा है? कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष बना हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि राम नफरत के नहीं थे, भगवान राम प्यार, जज्बात और इंसाफ थे। बुध की सुबह उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें कहा कि राम कभी जुल्म में नजर नहीं आएंगे, वो हमेशा मोहब्बत इंसाफ में दिखाई देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने वजीर आजम पर इल्जाम लगाया कि सियासी मुफाद हासिल करने के लिए भूमि पूजन में मोदी और योगी दोनों ने शिरकत की है, जो सरासर जमहूरियत की तौहीन है। शुरुआत से ही RSS शिद्दत पसंद तंजीम है और अपने दफ्तर पर कभी इन्होंने तिरंगा नहीं ले रहा है। RSS का कभी जंग आजादी में भी योगदान नहीं रहा, उल्टा अंग्रेजों की चापलूसी के इल्जाम इन पर लगाए गए। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री RSS के मोहन भागवत के साथ भूमि पूजन करते हैं तो यह बात साफ हो गई कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और वो चल पड़ा है। भूमि पूजन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम भी कहा जा रहा है। कई भाजपा नेताओं ने इसे मजहब की जीत तक कहा, इसका मतलब कितना तासुब इनके अंदर है। बार बार यह भी देखा गया कि मुस्लिम माशरे के बारे में नफरत आमोज बयान इन सियासी लीडरों की जानिब से दिए जाते हैं, पर कभी वजीर आजम मोदी ने इन पर कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब जो भी मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए जा रहे थे इसे वजीर आजम की खामोश हिमायत हासिल थी। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनकर तरक्की कर सकता है? क्या यहाँ के अकलियतों पर मुख्तलिफ कवानीन के तहत दबा कर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है? क्या मजहब की बुनियाद पर मुल्क विश्व गुरु बन सकता है?
भारत की तहजीब गंगा जमुनी तहजीब है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जितनी जबानें मजाहिब तहजीब भारत में है शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, और यही इसकी खूबसूरती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर को भारत का मुसलमान कभी कबूल नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद 500 साल से पुरानी तारीखी इमारत थी जिसे शिद्दत पसंद हिंदुओं ने शहीद किया था, लिहाजा बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, ऐसा IMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए इजहार ख्याल किया है। सवाल यह उठता है कि क्या अब लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और शायद इसका जवाब अक्सर लोग यही कह सकेंगे कि अब भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। क्या वाकई लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या कोई विपक्ष नहीं है? क्या सत्ता और विपक्ष सिर्फ मोदी ही है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या धर्म निरपेक्ष रहेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।